हाय फ्रेंड्स, आई एम मधु एंड आई एम रजत। सो फ्रेंड्स, सीबीएसई ने हमारी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको अपडेट किया है। ये बहुत बड़ा अपडेट है जो सीबीएसई ने किया है आप सभी क्लास 10th, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए। जो आपका सिलेबस था उसको रिवाइज कर दिया है एंड उसके अकॉर्डिंग जो बुक्स हैं, अब जो उनकी लेटेस्ट बुक्स हैं उनको पब्लिश किया है सीबीएसई ने। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आपका पिछले साल जो है, पिछले सेशन में जो है वो सिलेबस रिड्यूस हुआ था, कुछ टॉपिक्स रिड्यूस हो गए थे, है ना, लेकिन फिर भी वो बुक में थे। लेकिन अब की बार सीबीएसई ने बुक्स को ही अपडेट कर दिया है एंड जो टॉपिक्स आपके एग्जाम में नहीं आ रहे, रिड्यूस हो गए, उन्हीं को बुक्स में से हटा दिया। तो ये नई बुक्स तो हाँ बिल्कुल, एक टाइप से हम सभी के लिए गुड न्यूज है क्योंकि अब हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। जो पूरी बुक है अब हमें सारा कंटेंट पढ़ना है, अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो कट है, जो रिड्यूस्ड है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, देखो ये एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है ncert.nic.in और इसका जो लिंक है वो मैं आपको पिंड कमेंट में भी दे दूंगा। आप जो सी भी क्लास में, आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आप अपनी अपने अकॉर्डिंग जो जो सब्जेक्ट्स आपने सिलेक्ट किए उनकी बुक्स आप देखना। अगर आपने बुक परचेस कर लिए तो उसे एक बार मैच कर लेना कि क्या लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो अभी रैशनलाइज सिलेबस आया है 2023-24 बैच के लिए, क्या वो उसके अकॉर्डिंग आपकी बुक है नहीं है, तो वो देख लेना, ठीक है। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ही क्लास 10th आप जाओगे, आपको सिलेक्ट करना है क्लास 10th, उसके बाद अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। लेट्स से साइंस मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे बुक है आपकी इंग्लिश मीडियम में विच इज साइंस, गो कर देना है और फिर आपके पास एक पूरी लिस्ट बन जाएगी जो जो चैप्टर्स आपके हैं। देखो ये आपका अब एक एग्जाम, टोटल 13 चैप्टर्स है, पहले आई थिंक बुक में 16 चैप्टर्स थे, तो इतने चैप्टर रिड्यूस हो गए। तो देखो पिछले साल वो कट थे, वो हमें नहीं करने थे, लेकिन इस बार सीबीएसई ने वो बुक में से ही हटा दिए सारे चैप्टर्स, ठीक है। तो एक टाइप से मान ले बहुत आसान हो गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, देखो चैप्टर नंबर 7 यहां पे खोलते हैं, जैसे पहले जो चैप्टर नंबर 7 था वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन था। अगर मैं पिछले सेशंस की अभी तक जो चैप्टर नंबर 7 था वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, लेकिन अब आप देख सकते हो जो चैप्टर नंबर 7 है दैट इज हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब ये पहले चैप्टर नंबर 8 होता था, ठीक है, लेकिन अब ये चैप्टर नंबर 7 बन गया है। बिकॉज अब जो आपका चैप्टर नंबर 5 है ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वो आपका जो है पिछले बार भी सिलेबस में से रिड्यूस था, तो उसको बुक में से हटा ही दिया। वैसी जैसे आपका जो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाला चैप्टर था, उसमें एवोल्यूशन वाला पार्ट पिछले साल कट था, लेकिन इस बार बुक्स को अपडेट कर दिया गया और चैप्टर का नाम है हेरिडिटी, बस हेरिडिटी, हाँ एवोल्यूशन को पार्ट को हटा दिया पूरी तरह से, हेरिडिटी आपके चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिर्फ 13 चैप्टर्स आपके बुक में बच गए हैं। तो पहले जो सेशंस थे, पिछला सेशन उसमें 13 चैप्टर्स ही थे, लेकिन बुक में टोटल 16 चैप्टर्स थे, सिलेबस में 13 चैप्टर्स ही थे, लेकिन अब की बार जो आपके सिलेबस में आ रहा है सिर्फ वही आपकी बुक्स में है, बाकी जो रिड्यूस टॉपिक्स हैं, जो कटा हुआ सिलेबस है उसको बुक में से हटा ही दिया है। तो ये देखो कितनी बड़ी कंफ्यूजन आपके लिए सॉल्व हो चुकी है। आपको कुछ याद ही नहीं रखना कि कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक मुझे नहीं पढ़ना। बिकॉज पिछले साल मैं बात करूं, अभी देखो मैं क्लास 12th में हूं, रजत अभी क्लास 11th में हुआ है, हम जब क्लास 10th में थे एंड हम क्लास 11th में थे, तो देखो हम तो ये कंफ्यूज रहते थे कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना, एंड ये लास्ट तक जो है, लास्ट मोमेंट तक ये कंफ्यूजन रहा है। अभी जो फ्रेंड्स क्लास 10th से 11th में गए हैं उनको भी लास्ट मोमेंट तक कंफ्यूजन था कि ये वाला टॉपिक आएगा या ये नहीं आएगा। तो अब देखो ये जो आपकी इतनी बड़ी कंफ्यूजन है ये तो हटी चुकी है, बिकॉज बुक्स ही अपडेट हो चुकी है एंड अब जो बुक्स में है वही आपको पढ़ना है। बिल्कुल, आप देखो एग्जाम्पल मैं आपको मैथ्स का दूं, मैथ्स में पहले 15 चैप्टर होते थे, आपका एक चैप्टर जो चैप्टर नंबर 11 है कंस्ट्रक्शन, वो हटा दिया गया है और फिर आपकी पूरी बुक अपडेट होगी, 14 चैप्टर्स है आपकी बुक में बस, ठीक है, और ये आपको पूरे करने हैं। और चैप्टर जो हटाया साथ साथ, देखो जैसे चैप्टर नंबर 1 आपका रियल नंबर्स है, उसमें से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हटा दिया गया है, तो जो टॉपिक्स पिछले साल रिड्यूस हुए थे वो इस साल के एक टाइप से बुक में से रिमूव कर दिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि यार ये पेज नहीं करना, ये एक्सरसाइज नहीं करनी, ये क्वेश्चंस नहीं करने, कंफ्यूजन ही हट गया सारा। तो सीबीएसई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया आपके लिए और बहुत आसान हो गया इस बार आपके लिए, गुड न्यूज है ये आपके लिए। एंड ये जो बुक्स हैं, आपने अभी तक अगर बुक्स परचेज नहीं करी है तो लेटेस्ट एडिशन के हिसाब से बुक्स को परचेज करना। जब आप परचेज कर रहे हो तो एक बार जो होता है ना इंडेक्स होते हैं, चैप्टर्स के नाम लिखे होते हैं, वो जरूर चेक करना, ठीक है, और फिर आपको क्लियर होगा कि लेटेस्ट एडिशन है या नहीं है। देखो अभी आपके सभी के नए सेशन शुरू हो रहे हैं, जो फ्रेंड्स अभी 10th में आए हैं, 11th में आए हैं, 12th में आए हैं, ये वेबसाइट पर जाके अपनी सारे जो चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनको एक बार चेक कर लो एंड जो भी बुक्स आप परचेज कर रहे हो वो लेटेस्ट एडिशन की होनी चाहिए, तो ऐसे वेरीफाई कर लेना। एंड अगर आपने पहले से बुक ले ली है तो उनको बुक्स को एक्सचेंज कर दो, बिकॉज अब ये लेटेस्ट बुक जो है ये आ चुकी है, ठीक है। ऐसे ही 11th और 12th के लिए भी जो है जो चैप्टर्स रिड्यूस हो गए उनको बुक्स में से हटा दिया, हर एक क्लास के लिए सीबीएसई ने अपडेट कर दिया। जैसे कि क्लास
11th की फिजिक्स का पहला चैप्टर पहले क्या था, फिजिकल वर्ल्ड था, उसे हटा दिया गया है और यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स आपका पहला चैप्टर हो गया फिजिक्स का, वैसे ही केमिस्ट्री में तो चेंजेस हैं, ध्यान रखना। और देखो अगर आप बुक परचेज नहीं कर सकते हो, आपको हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, तो एनसीईआरटी की जो ये आपकी वेबसाइट है इसका जो लिंक है ये पिंड कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप अपनी लेटेस्ट जो बुक्स है उन्हें डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्म में सेव कर सकते हो, वहां से पढ़ाई भी कर सकते हो, वरना आपको हार्ड कॉपी परचेज करनी है तो लेटेस्ट एडिशन की आपको परचेज करनी है। बिल्कुल ठीक है, तो यही बहुत बड़ा अपडेट था जो सीबीएसई ने करा है, एंड आपकी बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है सिलेबस से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, ये सॉल्व हो चुकी है। अब जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन वाली बुक होगी, बस आपको उसको पूरा का पूरा पढ़ना है, कौन सा टॉपिक रिड्यूस हुआ है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये कन्फ्यूजन आपकी खत्म हो चुकी है, तो बहुत ही ईजी हो गया। एंड दिस इज अ वेरी यूजफुल अपडेट फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ वाले बच्चों के लिए, टेंथ, इलेवंथ, ट्वेल्थ, हर एक के लिए। ठीक है, ट्वेल्थ में भी जो आपका पॉलिटिकल साइंस है उसमें जो आपकी बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसमें कोल्ड वॉर वाला जो चैप्टर है वो आपका रिड्यूस हो गया, तो उसको बुक में से हटा दिया है ना, तो हर एक क्लास के लिए सीबीएसई ने ऐसे बुक्स को अपडेट कर दिया। तो okay? देखो, ये जो न्यूज़ है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को पता चले। मैं अभी भी देख रहा हूं कि बहुत सारे मेरी फ्रेंड्स हैं जिन्हें कंफ्यूजन है कि आप मेरी बुक में इतने चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स करने, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। सीबीएसई ने अभी जस्ट लेटेस्ट, मुझे भी कल परसों ही पता चले, बुक्स अपडेट हुई है, एंड इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि सभी फ्रेंड्स को पता चले। एंड यस, so this was a very useful update, we hope that you found this video helpful, thank you so much.